और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, शिंदे समर्थक विधायक प्रताप सरनाइक ने सीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि महापुरुषों पर बनने वाली फिल्मों को लेकर इतिहासकारों की एक समिति होनी चाहिए, जिससे भविष्य में बनने वाली फिल्मों को लेकर कोई विवाद खड़ा ना हो और फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशकों को भी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई विवाद खड़ा करता है तो उसको सरकार से संरक्षण मिलेगा, इससे समाज से लोगों की अभिव्यक्ति को भी संरक्षण मिलेगा। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र में ही अभी एक मराठी फिल्म रिलीज हुई थी जहां पर एनसीपी के जो पूर्व मंत्री और विधायक, आपको बता दें, जिन्होंने हंगामा किया था, हालांकि उस डायरेक्टर को सुरक्षा दी गई थी, उसी बाबत प्रताप सरनाइक द्वारा एक पत्र लिखा गया है शिंदे को, मुख्यमंत्री को। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा अपडेट लेकर। अभिषेक, शायद ये जिस फिल्म को लेकर, हर हर महादेव को लेकर जो महाभारत खड़ी हुई थी महाराष्ट्र में, उसी से संबंधित ये पत्र लिखा गया है, प्रताप सरनाइक ने लिखा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हर हर महादेव पिक्चर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है और जिस तरीके से पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड ने थिएटर में घुसकर मारपीट की और जो वीडियो सामने आए, और उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र के तमाम जिलों में भी इसका विरोध किया जा रहा है और ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इसमें इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, शिवाजी महाराज की छवि पर हानि पहुंची है, ये आरोप लगाकर इस तरीके का विवाद खड़ा किया गया है। उसके चलते प्रताप सरनाइक, जो कि शिंदे कैंप के MLA है, और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और ये साफ तौर पर कहा है कि आगे से एक इतिहासकार की टीम बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए, जो इस तरह की पिक्चर, जो बड़े बड़े महाअनुभवों के ऊपर पिक्चर बनी है, उसको ये इतिहासकार अपने तरफ से हरी झंडी दे और उसके बाद उसकी रिलीज की जाए। इसमें दोनों का फायदा है, साथ ही साथ जो निर्माता निर्देशक है उनका भी फायदा होगा और आगे इस तरीके की घटना नहीं घटे, इसके चलते ये पत्र लिखा है और आगे बनने वाली बड़ी पिक्चरें जो भी इतिहास पर बनती है वो इस कमेटी के थ्रू जाए और हरी झंडी मिलने के बाद ही रिलीज की जाए। इसमें दोनों पक्ष का फायदा है, निर्माता निर्देशक का भी, और जिस तरीके से हानि पहुंचती है लोगों को कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, उस पर भी रोक लगाई दी जाएगी। ये एक प्रस्ताव और एक पत्र मुख्यमंत्री को प्रताप सरनाइक ने लिखा है, अब इस पे आगे क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। जी अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दर्शकों को बता दें, फिल्म देखने आए दर्शकों से मारपीट के मामले में थाने पुलिस ने एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड को नोटिस भेज दिया है। थाने के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? तरीके से देखा जाए तो प्रेशर बन रहा है, कल जिस तरीके से मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, थाने पुलिस जितेंद्र आवाड के साथ ही साथ उनके तमाम सहकारियों को के खिलाफ FIR दर्ज करती है। तकरीबन 5 से 6 धाराएं, 504 और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और तमाम धाराओं के तहत इन पर केस रजिस्टर हुआ था और कल अखा दिन ये देखा गया कि पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है और आज थाने पुलिस ने एक नोटिस दिया है। जाहिर तौर पर नोटिस का मतलब ये होता है कि आप पुलिस स्टेशन में आके सामने अपना बयान दर्ज कराएं, बयान दर्ज कराने के बाद अगर पुलिस को उसमें एक्शन लेना है तो उन्हें डिटेन कर सकती है, उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है। तो आगे देखना होगा कि किस तरीके से थाने पुलिस इसमें स्टेप लेती है, बट ये नोटिस एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में जो लिया है, जाहिर तौर पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और इसको किस कार्रवाई किस हद तक जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या स्टेटमेंट लेके उन्हें छोड़ा जाता है या डिटेन किया जाता है या फिर अरेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि संगीन IPC की धारा उन पर लगी है। जी अभिषेक, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।